नमस्कार टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर एक नजर। आज जिस तरह से सावन का तीसरा सोमवार है, वहीं हम तालवेट नगर के हजारिया महादेव प्रसिद्ध मंदिर, हम आपको बताते चले जो तालवेट में हजारिया महादेव का मंदिर है, एक प्राचीन मंदिर है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है, चमत्कारी प्रतिमा हर बार बढ़ती रहती है। वहीं अगर हम बताएं तो यहां से आज तक कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटा है। वहीं जो सावन सोमवारों में यहां पर लगातार आकर हजारिया महादेव के दरबार में माथा टेकता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं आज जिस तरह से सावन सोमवार का तीसरा सोमवार है, वहीं आज हजारिया महादेव मंदिर पर भक्तों ने, तालवेट व आसपास के क्षेत्रों के भक्तों ने आकर यहां पर माथा टेका। वहीं आज जिस तरह से सावन सोमवार का तीसरा सोमवार है, तो वहीं आज जिस तरह से हम आपको बता दें कि विगत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, जिससे किसान व आसपास के क्षेत्र के लोग परेशान थे, तो वहीं आज किसी न किसी रूप में जिस तरह से आज इंद्र देवता प्रसन्न हुए हैं, पूरे दिन हम आपको बता दें कि तालवेट व आसपास के क्षेत्रों में बारिश होती रही। यह कहीं ना कहीं हजारिया महादेव का आशीर्वाद ही है कि आज जो इस तरह से बारिश हुई तो किसानों के चेहरे भी खिले। नगर पंचायत अध्यक्ष मुक्ता सोनी ने खुद आज जाकर हजारिया महादेव मंदिर में माथा टेका। वह देश प्रदेश व हमारे नगर को कोरोना से भगवान जल्द मुक्त करे, ऐसी उन्होंने प्रार्थना की कि हम सब कोरोना की चेन को जल्द तोड़कर उभर कर वापस आए व हमारी जिंदगी फिर से लौट कर आए। वही हम आपको बताते चले हजारिया महादेव मंदिर पर आज श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पूरी सोशल डिस्टेंस के साथ श्रद्धालुओं ने पूरे कोविड के नियमों के अनुसार यहाँ दर्शन किए व कोरोना जैसी महामारी से निजात पाने के लिए एक अद्भुत दुआएं, जो हमारी बुंदेलखंडी परंपरा है, जो हमारे बुंदेलखंडी गीत हैं, जिनसे आज हमारी संस्कृति जीवित है, जहां आज हमारे बुंदेलखंड की पहचान है, हमारे जो गांव की महिलाएं वह भी आज मंदिर पहुंची और उन्होंने भी कोरोना से जीत पाने के लिए, कोरोना से निजात पाने के लिए किस अंदाज में, बुंदेलखंडी अंदाज में भगवान से प्रार्थना की। कोरोना से बचाने इते बैठी महारानी, इते बैठी महारानी, दूध बहे जैसे पानी जहाँ बैठी महारानी। मतलब का साफ कहने का मतलब है कि कोरोना जैसी महामारी से हम और आप व समाज व देश को छुटकारा जल्द मिले। आइए बुंदेलखंडी में किस तरह से ये महिलाएं अपने अद्भुत अंदाज में भगवान भोलेनाथ के दरबार में प्रार्थना कर रही हैं, हम आपको सुनवाते हैं।